ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का आप भी सोच रहे हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें जिससे कि आपको स्टार्टिंग में लॉस कम हो, तो वीडियो को सेव कर लीजिए। मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को केयरफुली चूज कर सके जिससे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो पे आसानी से सेल कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड अप्रोच। आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करना है जो आपके नियर बाई एरिया में मैन्युफैक्चर होता हो। सेकेंड पॉइंट में वैसे एसक्यू को चूज करें जिसको आप इन फ्यूचर में इजिली रीस्टॉक कर सके अपने इन्वेंट्री में जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। थर्ड पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लो बजट वाले प्रोडक्ट को चूज करने, जैसे 50 रुपए से लेकर 200-250 तक के आप प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में आप लिस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फ्रेगाइल आइटम जो टूटने फूटने वाला आइटम है उसे आप स्टार्टिंग में इग्नोर करें। आपको साइज वाले वेरिएशन प्रोडक्ट को चूज ना करना है जिससे क्या कि साइज के कारण जो है आपका रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट का। तो सिक्स्थ पॉइंट में आपको वैसे प्रोडक्ट को ना चूज करना है जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर के नियर बाई लोकेशन पे, क्योंकि इससे आरटीओ ज्यादा हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको स्टार्टिंग में 10-20 स्टॉक्स ही परचेज करके अपने इन्वेंट्री में रखना है। आपको ज्यादा स्टॉक ना खरीदना है जिससे डेड स्टॉक का इश्यू हो जाए और आपको इनडायरेक्टली लॉस हो जाए।